जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर पुलिस ने एक महिला प्रोफेसर के साथ 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ठग ने खुद को मुंबई पुलिस बताकर महिला को डराया कि मुंबई थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और फिर कैश को रफा दफा करने के लिए महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके तहत ही जब महिला को गड़बड़ी का शक हुआ तो महिला प्रोफेसर ने मामले की शिकायत श्रीनगर पुलिस से की और आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इसके तहत ही पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी शंकरलाल सैनी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सट्रॉट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं उनके साथ एक्सटोर्शन किया जा रहा था जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है यदि आपको कोई इस प्रकार की गैंग के द्वारा अप्रोच किया जाता है, आपको मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है, एक्सटोर्शन करने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना अवश्य लोकल पुलिस थाने को दें।